नमक हमारे खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आजादी से पहले 1930 के नमक सत्याग्रह के बारे में तो आपको मालूम होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि करेंटली हमारे देश में सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्ट की इंडस्ट्री इंडिया में कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितनी कितनी क्वांटिटी में नमक प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। 2023 के दिसंबर में तमिलनाडु के थूटिकुडी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही भयानक फ्लड आता है, जिसकी वजह से वहां पर के 22,000 एकड़ के सॉल्ट पेन्स, यानी ऐसा दिखता है कुछ वो, यानी जहां से सॉल्ट प्रोड्यूस होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, सीवियरली डिस्ट्रॉय हो गए, जिसकी वजह से वहां पर काम करने वाले 30,000 सॉल्ट वर्कर्स को अभी बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां से प्रोड्यूस होता है 2.5 मिलियन मेट्रिक टन सॉल्ट, और अब जब सॉल्ट प्रोड्यूस करने की एक साइकिल आई है जनवरी टू जुलाई, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। जनवरी में जहाँ पर ये सॉल्ट प्रोड्यूस होना शुरू होना चाहिए था फ्लड के आने की वजह से, वो काफ़ी डिले हो गया है, जिससे देश में सॉल्ट की जो स्टॉक है वो डिस्टर्ब हो सकती है और प्राइजेस भी इससे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ दीक्षिता, आपका वेलकम करती हूँ तरुण आईएएस में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना डिले के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सॉल्ट का क्या स्टेटस है इंडिया में, सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉमन सी बात है, जाननी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड में इंडिया के अंदर जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। कॉमन शब्दों में हमारी जो इकोनॉमी है सॉल्ट की, वो तीसरी सबसे बड़ी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन अगर हमारे देश की बात करें तो वो है 230 मिलियन टन्स। और 1947 में हमारे देश में आपको पता होगा कि सॉल्ट प्रोड्यूस करना लोकल लोगों को मना ही थी, वो नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से नमक सत्याग्रह का इस्तेमाल करते हुए गांधी जी ने अपनी बात रखी थी। तो 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो हम यूके से, यूनाइटेड किंगडम से अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए सॉल्ट को इंपोर्ट करते थे, और कितना इंपोर्ट होता था, 1.9 मिलियन टन्स। लेकिन 2023 में इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गया है, अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहा है, साथ में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और 2023 में डेटा के अकॉर्डिंग 30 मिलियन मेट्रिक टन्स का सॉल्ट जो है वो एनुअली प्रोड्यूस हो रहा है, 2023 का ये डेटा कहता है। सोर्सेज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, मेन सोर्सेज जो सॉल्ट के हैं इंडिया में वो है सी ब्राइन, लेक ब्राइन, सब सॉइल ब्राइन एंड रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स। ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है सी वाटर या कोई भी अदर सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, कोई भी वाटर जहां पर सॉल्ट की मात्रा हद से ज्यादा अधिक हो, जहां पर से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर सके अगर हमें जरूरत हो। ओके, मैं यहां बात कर रही हूं खारे पानी की, ऐसा खारा पानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा इतनी अधिक हो कि उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हम अलग से वहां से निकाल सकें, तो उसे हम कहते हैं ब्राइन। आपने खारे पानी को टेस्ट किया है कभी, समुद्र में अगर वेकेशन के लिए आप बीचेस गए होंगे, कोस्टल एरियाज में होंगे, तो आपको जरूर पता होगा। लेकिन ब्राइन में जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल सी वाटर से भी कहीं अधिक होती है, जिसकी वजह से सॉल्ट को ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है पानी को इवेपोरेट करके। सॉल्ट इंडस्ट्री का क्या प्रोफाइल है भारत में, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान जो है देश की, वहां पर 96% सॉल्ट प्रोडक्शन होती है, 96% सॉल्ट का प्रोडक्शन इन तीन स्टेट्स में होता है, जहां पर 11,799 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और सॉल्ट पेन अगर हम देखें तो 6 लाख एकड़ है जहां पर जितनी बड़ी मात्रा में सॉल्ट ब्राइन्स उपलब्ध है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। सॉल्ट को वहां पर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसे सेल किया जाता है, सारी प्रोसेसिंग मतलब सारी चीज़ें वहीं होती है, और इतने बड़े एरिया में सॉल्ट इंडस्ट्री फैली हुई है। गुजरात सबसे नंबर वन पे आता है जहां पर सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन होता है विथ 76%, तमिलनाडु कम्स एट सेकेंड प्लेस विथ 11% एंड राजस्थान विथ 9% कम्स एट थर्ड प्लेस। जो बाकी के 2.5% है वो अलग अलग स्टेट से नमक
के सोर्सेज वहां मिलते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, दमन एंड दीव, गोवा, वेस्ट बंगाल, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है हिमाचल प्रदेश, जी हाँ यहाँ से भी सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, बहुत कम मात्रा में है बट जरूर होता है। तो अगर कहीं किसी एग्जाम में आपको ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश से भी सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली यस। जैसे मैंने बताया कि इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है सॉल्ट के प्रोडक्शन में, तो अब हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को तो फुलफिल कर ही रहा है, साथ में एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? करीब 35 लाख टन। किन किन कंट्रीज में? जापान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, कतर, UAE, तो इन सारे कंट्रीज में हमारे देश का नमक पहुंच रहा है और वो यूज कर रहे हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखते हैं। देखा हमने करीब 12,000 कितने थे सेंटर्स, सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं करीब 12,000, लेकिन अब सेंटर्स देखते हैं तो सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, जो स्टेट्स बताए वहां पर ही होंगे। सी वाटर इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ सॉल्ट, यानी सी वाटर कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि सॉल्ट भी कभी खत्म नहीं होगा। सॉल्ट प्रोडक्शन जो है हमारे कोस्ट में वेदर सॉइल कंडीशन से लिमिटेड है, यानी वेदर का कंडीशन, सॉइल का कंडीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट के प्रोडक्शन में, इसीलिए हर एक कोस्टल एरियाज में सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं होता है। कोस्ट ऑफ गुजरात की बात करें तो जामनगर, मीठापुर और भावनगर में सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन में, बाकी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है। इनलैंड सॉल्ट वर्क्स राजस्थान में, कोस्टल एरियाज तो नहीं है लेकिन लेक्स, जहाँ पर ऐसे लेक्स जहाँ का पानी खारा है वहां से भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, उसमें सबसे पहला नंबर आता है सांभर लेक का, फिर नवा, सुजानगढ़, पलोडी, ये सारे एरियाज हैं जहां से इनलैंड सॉल्ट वर्क यहाँ पर चलता है। आंध्र प्रदेश में इसकापल्ली, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, ये सारे एरियाज हैं। महाराष्ट्र में भांडूप, भयंदर, पालघर, उड़ीसा, गंजम, वेस्ट बंगाल, कोंतई, रन ऑफ कच्छ जो है वहां पर खारगोड़ा, धारणगाड़ा, संतालपुर, ये सारे एरियाज। रन ऑफ कच्छ आपको पता है कि सी ऑफ सॉल्ट है, यानी सॉल्ट डेजर्ट है वहां पर। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आता है, हिमाचल प्रदेश में रॉक सॉल्ट डिपॉजिट है, यानी ऐसे पत्थर जहां पर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसे पत्थरों से यहाँ पर सॉल्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। कहाँ मिलता है वो? मंडी में। ओके, हिमाचल प्रदेश मंडी में। गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है सॉल्ट प्रोडक्शन में? सबसे पहले ये आपको बताती हूँ कि जो यूनियन लिस्ट है, 7th Schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट के अंदर सॉल्ट सेंट्रल सब्जेक्ट है, यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का हर एक एस्पेक्ट, उसे प्रोसेस करना, उसे सेल करना, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करना, ये सारे प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। और कौन हैंडल करती, कौन से डिपार्टमेंट? सॉल्ट कमिश्नर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक अटैच्ड ऑफिस है, और वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीजें सॉल्ट से रिलेटेड कंट्रोल करती है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए देश की पॉपुलेशन के लिए, ताकि उन्हें सॉल्ट रिलेटेड जो बीमारियां हो रही है, आयोडीन रिलेटेड बीमारियां हो रही है, वो ना हो। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम ये गवर्नमेंट चला रही है, मेजर एक स्कीम है। इस प्रोग्राम के अंदर यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन और आयोडीन का कंजम्पशन करना, ताकि आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स किसी भी बच्चों को या अडल्ट को ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ये प्रोग्राम रन कर रही है फॉर पीपल ऑफ इंडिया। प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 1962 में कुछ फ्यू एरियाज में, जहां पर आयोडीन की डेफिशिएंसी से लोग परेशान थे और उन्हें बीमारियां हो रही थी, लेकिन बाद में इसकी अहमियत को देखते हुए 1984 के बाद में पूरी कंट्री में इस प्रोग्राम को जो है वो लागू कर दिया गया, जिससे हर एक इंसान को आयोडीन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। सॉल्ट प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स हैं, और इसी फैक्टर्स की वजह से जो है इंडिया 3rd largest मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गई है वर्ल्ड में। वो क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है सी वाटर एक्सेस, यानी सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए सी वाटर, खारे पानी का एक्सेस होना बहुत जरूरी है। और इंडिया में जो 6100 किलोमीटर
का कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन में आप, मैंने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के कोस्ट लाइन को इंक्लूड नहीं किया है। तो इस इतने बड़े कोस्ट लाइन एरिया में जो सराउंडिंग एरियाज है उनके पास सी वाटर एक्सेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर सॉल्ट प्रोडक्शन हो सकता है। लोकल क्लाइमेट, यहाँ पर रेनफॉल जो है वो किसी भी सॉल्ट प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, यानी पानी से नमक मॉइस्चराइज हो जाता है, गीला हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। तो कुछ ही एरियाज है ड्राई एरियाज, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, जहाँ पर रेनफॉल उतनी नहीं है और जिसकी वजह से सॉल्ट प्रोडक्शन अच्छी होती है। लेबर एक्सेस, सॉल्ट इंडस्ट्री जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ नहीं होते लेकिन ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और 1.11 लाख लेबरर्स जो है वो हर दिन सॉल्ट इंडस्ट्री में इम्प्लॉय किए जाते हैं, और एवरेज नंबर है ये, जिसकी वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है कि सॉल्ट प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। गवर्नमेंट ने इन लेबर्स के लिए लेबर वेलफेयर स्कीम्स भी जो है वो चला रखी है, ताकि उनकी वर्किंग और लिविंग कंडीशन जो है उनके अगेंस्ट ना जाए, उनके फेवर में जाए। क्योंकि सॉल्ट इंडस्ट्री है, ओपन में लोग काम करते हैं, उन्हें वेदर हो गया या फिर सॉल्ट एक एसिडिक चीज़ है, तो उससे उनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनके लिए बहुत सारे लेबर स्कीम्स भी, वेलफेयर स्कीम्स भी गवर्नमेंट रन कर रही है। तो यहाँ पर हमने आज समझा कि सॉल्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का सॉल्ट में क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल सॉल्ट में क्या है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पूरे एस्पेक्ट्स जो सॉल्ट प्रोडक्शन को लेकर है उसको कंट्रोल कर रही है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। सी यू सून। थैंक यू सो मच।